मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरमा शाइस्ता सना से, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा शाइस्ता सना, आप सबकी खिदमत में बहुत अदब से सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शोरा इकराम की भी दुआएं चाहती हूँ। जी जी, इरशाद। कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ बतौर खास दे। इरशाद। कुछ मुतफरिक अशार पेश करती हूँ। नज़ारा जिसने आपका एक बार कर लिया, नज़ारा जिसने आपका एक बार कर लिया, यूं उसने अपनी रूह को सरशार कर लिया। यूं उसने अपनी रूह को सरशार कर लिया। रोज़ा रखा था आपके दीदार के लिए, रोज़ा रखा था आपके दीदार के लिए। आप आ गए तो आँखों ने अफ्तार कर लिया, आप आ गए तो आँखों ने अफ्तार कर लिया। आप ये आप सबके लिए है। आप आ गए तो आँखों ने अफ्तार कर लिया। और चार मिसरे यूँ देखें कि नज़र के साथ ज़बाँ को भी बावजू रखना, नज़र के साथ ज़बाँ को भी बावजू रखना। मैं चाहती हूँ मोहब्बत की गुफ्तगू रखना, नज़र के साथ ज़बाँ को भी बावजू रखना। मैं चाहती हूँ मोहब्बत की गुफ्तगू रखना। बहुत है तेज़ यहाँ बेहयाई की आंधी, बहुत है तेज़ यहाँ बेहयाई की आंधी। मेरे खुदा मेरे आँचल की आबरू रखना, मेरे खुदा मेरे आँचल की आबरू रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत सलीके से आप सुन रहे हैं। सभी को आपने बहुत अच्छा सुना। चार मिसरे, क्योंकि उर्दू की महफिल है, चार मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर खास देखे। इरशाद। हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ, हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ। खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ। हिंदू मुस्लिम सब करते हैं प्यार मुझे, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ। मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। कौमी एकजहती के हवाले से चार मिसरे हाजिर करती हूँ बता रहे खास थे। अदब से पेश करते हैं सलामी हम तिरंगे को, अदब से पेश करते हैं सलामी हम तिरंगे को। खुशी का दिन मनाते हैं, दुखों को कम भी करते हैं। खुशी का दिन मनाते हैं, दुखों को कम भी करते हैं। इसी भारत की मिट्टी पर किए सजदे शहीदों ने, इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं। इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं, इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ देखें। है फख्र मुझे इस पर उस देश की बासी हूँ, है फख्र मुझे इस पर उस देश की बासी हूँ। पुरवाई मोहब्बत की जिस देश में चलती है, पुरवाई मोहब्बत की जिस देश में चलती है। घुमाई ज़माने में फिर भी न मिली मुझको, घुमाई ज़माने में फिर भी न मिली मुझको। वो खुशबू जो भारत की मिट्टी से निकलती है, वो खुशबू जो भारत की मिट्टी से निकलती है, वो खुशबू जो भारत की मिट्टी से निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे हाजिर करती हूँ। मेरे नौजवान भाई हैं, उनके
उनको मशवरा देती हूँ, चार मिसरों में पेश करती हूँ, बतौर इरशाद। इरशाद। हर शजर से हवा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती, हर शजर से हवा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती, प्यार करने की भूल मत करना, इस मर्ज की दवा नहीं मिलती, इस मर्ज की दवा नहीं मिलती, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत शुक्रिया। इस मर्ज की दवा नहीं मिलती, और चार मिसरे देखें। वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, क्या कहना, वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी। भाई कमाल है, मैं आपका खिला हुआ चेहरा देखता हूं तो मेरा जी चाहता है कुछ बोलूं, फिर जमील असगर का जब उतरा हुआ चेहरा देखता हूं तो सोचता हूं खामोश रह जाऊं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बहरहाल आप पढ़ें। वादा करते हो कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, तू खफा क्या हुआ तेरे गुलदान का, एक एक फूल मुझसे खफा हो गया, एक एक फूल मुझसे खफा हो गया, तेरे खत लेके आता था जो रात दिन, तेरे खत लेके आता था जो रात दिन, वो कबूतर भी अब बेवफा हो गया, वो कबूतर भी अब बेवफा हो गया, वो कबूतर भी अब बेवफा हो गया। और ये एक मतलब एक शेर देखिए, ये जो है ये कबूतर बेचारे पर तो इल्जाम है, जब उसके पंजों से खत बांधा ही नहीं जाएगा तो कबूतर बेचारा करेगा क्या आकर। चार मिसरे हाजिर करते हो। हाँ, जो मतलब की इबारत थी वो पंजों से मिटा डाली, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। तो ये मसले हैं, और आजकल तो कबूतर का मामला ही नहीं रहा, आजकल तो फोन का है, सोशल मीडिया का जमाना है, तेज रफ्तार इश्क है, सुबह को शुरू होता है, शाम को बच्चों का नाम रखने का वक्त आ जाता है, तो ये सब चलता रहता है बहुत तेजी के साथ। तालियां बजाइए ताकि शाइस्ता सना गजल शुरू करें। हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए, हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए, खिलौने की तरह दिल से हमारे खेलने वाले, खिलौने की तरह दिल से हमारे खेलने वाले, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है जा, इस हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, इसका मजा या तो आपने लिया या शेट्टी भाई ने लिया है। तो मैं समझ रहा हूँ आप दोनों के मामला, बहरहाल ठीक है। हमारे भाई प्रवीण शेट्टी भी जाहिर है कि अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहे हैं, और आप भी,
मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। देते रहिए दुआएं और बददुआएं। शाइस्ता सना की गजल जारी है। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि आपको मेरे शेर याद हैं। मैं हाजिर करती हूँ, बहुत शुक्रिया, सलाम करती हूँ आपकी समाज। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज़ है, आईने से मैं नजरें चुराती रही, आईने से मैं नजरें चुराती रही, रात भर आपका नाम कागज़े पे मैं, रात भर आपका नाम कागज़े पे मैं रोज लिखती रही और मिटाती रही, रोज लिखती रही और मिटाती रही, रोज लिखती रही और मिटाती रही। और ये भी चार मिसरे देखें, इत्तेफाक इसको या फिर मुकद्दर कहें, दिल ने चाहा नहीं था मगर हो गया, दिल ने चाहा नहीं था मगर हो गया, ये करिश्मा भी शायद मोहब्बत का है, ये करिश्मा भी शायद मोहब्बत का है, एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया, एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया, एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया। एक मुकम्मल गजल मतलब हाजिर करती हूँ बतौर खास। आज कल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, आज कल मेरे दीदार के वास्ते, आज कल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, उसने छोड़ी जिस दिन से मेरी गली, उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं, आज कल मेरे दीदार के दार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। और ये शेर हाजिर करती हूँ देखें, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है, वो नहीं है तो अब मेरा ये हाल है, मेरे हाथों के कंगन खनकते नहीं, आज कल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली। वक्त की पाबंदी है इसलिए मक्ते का शेर आखिरी शेर देखें, आज कल मेरे दीदार के वास्ते दिल को दिल से अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं, दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं, ऐसा न
सुना जैसे शीशे के गुलदान में, ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में, फूल कागज के हो तो महकते नहीं, ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में, फूल कागज के हो तो महकते नहीं। आज का